हेलो दोस्तों। तो आज जो हमारी वीडियो है, मैं उसमें आपके लिए बहुत ही बेसिक कंप्यूटर का बेसिक को लेकर आया हूँ, जिसमें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के हमारे यूज में आते हैं, वो उन्हें क्या कहते हैं, वो किस तरीके से यूज में आते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मेरे चैनल वी आई पाठशाला को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको सारे अपडेट मिल सके। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जो हम लोग आज की जो वीडियो देख रहे हैं, उसमें वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर दिखाऊंगा। जैसे अगर मैं स्टार्ट करूँ किसी भी पर्टिकुलर एक बॉक्स से, तो जैसे मेरे को यहाँ पर ये बॉक्स दिख रहा है। इस बॉक्स का मतलब है, हम लोग इसे सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू का मतलब होता है कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जैसे एक नॉर्मल एक इंसान में एक ब्रेन होता है, जिस ब्रेन के थ्रू हम पूरे उस ह्यूमन बॉडी को यूज में लेते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ कंप्यूटर होता है। यहाँ पर जो ये सीपीयू है, ये एक पूरे कंप्यूटर का ब्रेन है, जहां पर हम सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, सारा डेटा हमारा यही स्टोर होता है। तो ये एक ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम है, जिसका हम लोग यूज में लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड, जैसे एक तो हमारे पास हो गया सीपीयू। अब ये जो यहाँ पर टीवी सी रखी है, ये टीवी क्या है? इसे अगर आप लोगों को पता हो तो इसे हम लोग कहते हैं मॉनिटर। मॉनिटर ये एक डिस्प्ले है, जिसका यूज हम लोग किसी भी चीज को देखने के लिए, कोई भी हमारे पास आउटपुट है उसे यहाँ पर शो करने के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है एक मॉनिटर। और उस मॉनिटर के बाद अगर आप यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ दिखाऊं, जैसे यहाँ पर ये जो कीज लिखी हुई है, ABCD 1 2 3, तो ये जो कीज हैं और ये जो एक बोर्ड है, इसी के वजह से हम लोग इसे कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड, जिसके थ्रू मैं यहां से कोई भी नाम टाइप करना चाहता हूं तो इसमें यूज कर लेता हूँ कैरेक्टर्स का। कोई भी वैल्यू डिजिट टाइप करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर इनका यूज कर लेता हूँ। केवल और केवल ये कीज हैं और एक बोर्ड पर है, इसलिए इसे हम लोग कीबोर्ड कहते हैं। ठीक है। ऐसे ये देखा होगा, बहुत छोटा सा चूहा टाइप का है ना, ये जो एक चूहा टाइप का जो दिख रहा है, ये हमारा एक माउस कहलाता है। तो ये जो माउस है, उसका हम लोग यूज करते हैं किसी भी चीज को क्लिक करने के लिए और किसी भी अदर काम के लिए। ठीक है। ऐसे ही अगर बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो आपको दिख रही होंगी रखी हुई, तो जो सामान है, जैसे आपको और भी सामान दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर मैं और कुछ दिखाऊं तो मैं आपको एक चीज ये दिखा सकता हूँ। जैसे ये है एक डिवाइस, जिसे हम लोग वेब कैम कहते हैं। आजकल तो मोबाइल हमारे फैसिलिटी इतनी बढ़िया दी गई है कि सारी चीजें हमारे वहीं पर हैं, लेकिन जब मेरे को किसी से फेस टू फेस इंटरेक्शन करना है, कोई बंदा है जिससे मुझे ऑनलाइन बात करनी है, तो मैं उस केस में इस वेब कैम का यूज करता हूँ, जिसमें यहाँ पर एक कैमरा दिया हुआ है, जिसको फेस के सामने रखते हैं और ये फेस को रिकॉग्नाइज करता है और सिस्टम पे दिखाता है। तो इसे हम लोग वेब कैम कहते हैं। तो इसे हम लोग वेब कैम कहते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा, इस वेब कैम में एक कैमरा है, जो कैमरा सामने से आपको दिखता है और उसके बाद सामने वाले को डिस्प्ले दिखता है। ऐसे ही अगर मैं और भी कुछ चीजें देखूं, तो यहाँ पर आपको एक ये दिख रहा है, जो हमारा एक हेडफोन कहते हैं इसे हम लोग, ठीक है ना, जिसमें ये आपके पास माइक भी है, तो जिसके थ्रू किसी भी म्यूजिक को सुनने के लिए यूज में लिया जाता है, या फिर किसी से बात करने के लिए हम लोग इसका यूज में लेते हैं। जैसे माइक के थ्रू बात हो जाती है और इसके थ्रू हम कानों में सुन लेते हैं कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे आपको अगर यहाँ दिख रहा हो, तो मैं आपको यहाँ पर इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हमारा कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जिसको हम लोग यूज में लेते हैं। ये है हमारे पास एक डिवरी राइटर, जिसको डीवीडी को राइट करने के लिए और रीड करने के लिए, दोनों के लिए यूज करते हैं। वैसे तो अगर मैं यहाँ देख रहा हूं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें मैं अपने डीवीडी को इजीली रीड और राइट करने के लिए ये इनबिल्ट आता है,
लेकिन अगर मुझे एक्सटर्नल भी कुछ यूज करना है तो इसे एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में यूज करते हैं, इसके थ्रू हम लोग इसे कनेक्ट कर लेते हैं और इसमें सीडी या डीवीडी चला के यूज में ले लेते हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर देखा तो बहुत सारी केबल्स रखी हुई है, ये सारी केबल्स जो है किसी ना किसी तरह से कंप्यूटर में यूज करने को आती है। जैसे अगर आपको ये कुछ पोर्ट दिख रहा हो तो ये पोर्ट जिसमें ये जो लाइन्स हैं, ये लाइन्स डिफाइन करती हैं कि हमारा जो ये बीजीए बीजीए पोर्ट है उसको यूज में लेते हैं, ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स। एंड ये पोर्ट अगर आपको ये दिख रहा हो तो ये हमारे यूज में आती है किसी भी ये पावर सप्लाई के लिए यूज में लिया जाता है, इसे हम लोग एक पावर कॉर्ड कहते हैं जिसमें पावर का इसमें यूज में लिया जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। ऐसे ही हम लोग एक यूज में लेते हैं ये अगर आपको यहाँ डिवाइस दिख रही है, इसे राउटर कहते हैं जिसके थ्रू इंटरनेट कनेक्शन को यूज में लिया जाता है। नो डाउट इसके लिए इंटरनेट के लिए हम लोग एक मॉडेम और यूज करते हैं, लेकिन इसके थ्रू हम कई सारे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह से वाईफाई राउटर है जिसके थ्रू मैं वाईफाई कनेक्टेड कर सकता हूँ सिस्टम को, कंप्यूटर लैपटॉप को। तो ये जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ये हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें ये कई सारी चीजें हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और रह गई है, वो मैं आपको दिखा दूं जरा। अगर आपको यहां देख रहे हो, दो चीजें मैंने और यूज में लिया है। एक तो मैंने यूज में लिया है, ये दिख रहा होगा आपको, एक पावर सप्लाई के लिए है जिसे हम लोग यूपीएस कहते हैं, यूपीएस कहते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जिसके थ्रू हमारा सिस्टम एकदम से बंद नहीं होता है और हम सिस्टम को ज्यादा देर तक यूज कर पाते हैं लाइट जाने के बाद भी, तो इसलिए मैं इसका भी एक यूज हमारे पास रहता है। ऐसे मैंने यहाँ पर जो एक चीज देखी होगी आपको, ये मैंने एक पावर सप्लाई के लिए कई सारे कंप्यूटर के कनेक्शन होते हैं, उसके लिए मैंने एक ये और ले लिया है, ठीक है। तो ये पूरा मेरे पास बेसिक पार्ट्स हो गए। अब मैं इसे आगे कभी आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से हम इसे असेंबल करते हैं और यूज में लेते हैं, लेकिन इतना तो मेरे पास होना ही चाहिए। इसमें कुछ चीजें हैं जो मेरे पास एक्स्ट्रा है, जैसे मैं इसका यूज बाद में भी कर सकता हूँ, ये तो मेरे पास जरूरत है तो मैं रख रहा हूँ, ठीक है। हेडफोन, वेबकैम, जब मुझे जरूरत है उसके अकॉर्डिंग यूज कर रहा हूँ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी किसी तरह का डाउट है या कोई भी कुछ जानना है नया कुछ, तो आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, देन मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।